तत्परते हुसैन के सपना साकार करे के लिए भी और बाकी संतान जो हमारा सबके जिंदा छे भावी पीढ़ी के लिए हमारे कुछ करे के पड़ते। यही लेल आई के दिन में यही बात चिंतन करे के पड़ते, आई के बाद सोच के पड़ते। पार्टी सब सत्ता स्वार्थ में लागल छे, चारों मदेशवादी पार्टी सत्ता स्वार्थ में लागल छे और मदेश नुकसान भ रहा। तई अवस्था में मदेशी जनता के ताकत जनता में हो, जनता के अपन ताकत प्रयोग करे के पड़े। ठीक रास्ता पर लाब के लिए भी वही पार्टी और नेता जो भ्रष्ट भ गए, करप्ट भ गए या मार्ग से विचलित भ गए, सत्ता स्वार्थ में लीन भ गए, ओकरा भी स्थान पर लाब के लिए, रास्ता पर लाब के लिए, जगह पर लाब के लिए आके अपन ताकत प्रयोग करे के पड़े। आके बाज के पड़ते, आके कह के पड़ते, रे कत भुलाए थे आई यहाँ लड़, यहाँ लड़े के पड़ते, यहाँ के कह के पड़ते। एक लिए चिंतन शुरू करे के पड़ते, विचार विमर्श शुरू करे के पड़ते, अभियान चलावे के पड़ते, मेची से महाकाली तक अभियान चलावे के पड़ते। ए बात के लिए कि लड़े के पड़ते, सब कुछ खत्म भ रहा है और सब कुछ खत्म भ रहा है। ये पार्टी सब आके सत्ता स्वार्थ में लागल छी, सबके आके चुनाव अथी कहे छे संघर्ष करे के पड़ते, परिस्थिति बनाबे के पड़ते, जनता में जागरण फेरू पुनर्जागरण करे के पड़ते। और पुनर्जागरण कैला के बाद में परिस्थिति बनती, व्यवस्था बनते देश में, ऐ मदेश में अवस्था बनते। और वो अवस्था जब बनते तो फेनू जीते वाला लड़ाई है, हारे वाला लड़ाई हम तैयारी के नहीं होते। अब अगिलका जो लड़ाई है तो जीते वाला लड़ाई है। अब जीते वाला लड़ाई केना जिससे हम बता रहे थे, अब लड़ाई अगिलका लड़ाई हारे वाला लड़ाई नहीं करे के थे। अब मदेशी तीन तीन बार लड़ के और बार बार पराजय के मुंह देखे के अवस्था में नहीं थी, अब अगिलका लड़ाई जीत के छे। वही जीत के लिए की करे इससे हम बता रहे हैं। पर जब अभी तक चिंतन मनन तीन चार वर्ष के लिए, अब हमरा समझ में की आए कि हमरा सबके राज्य सत्ता हमरा सबके लड़ाई के, हमरा सबके संघर्ष के हरा देगी। हम सब जीती छे, मतलब जीते नहीं देगी, कारण ताकत नहीं बने, ताकत नहीं पहुंची छे। हमरा सब मदेशी लड़े छे, मदेशी के ताकत राज्य सत्ता के बाध्य नहीं कर सकते। हमरा सबके अकेले ताकत से हम एक राज्य सत्ता के नहीं झुका सकते, तो हमरा देखे के पड़ते देश में यही बात के लिए लड़े वाला के सब, एक गो बात के लिए अलग अलग के सब लड़े। तो हम सब लड़े छी, मदेशी अलग लड़े छी, हार जाए छी, सकबे नहीं करी, कोनी थारू सब अलग लड़े छी, थारू सब फॉरवर्ड के लिए वो अकेले लड़े छी, सकबे नहीं करी, सबके जेल में मुद्दा हाल दो, जेल में हाल दो। तो थारू सबके लड़ाई असफल, कोनी पहाड़ के आदिवासी जनजाति वही एने पीड़ित, पहाड़ के आदिवासी जनजाति जरा विगत में ही हम मदेशी पहाड़ी कह के पहाड़ी के किताब में रखल गए, हम सबके मदेशी किताब में रखल गए, ये शासक वर्ग के कार्य। न तो गजेंद्र बाबू तो 30 वर्ष पहले उधारा में मदेशी जनजाति मिल के दोनों मिल के काज कर देश में ताकत बनते, तय प्रयास के लिए। लेकिन ओते शासक वर्ग सब पूरा मदेशी पार्टी हमारे सबके भगा दिल खदेड़ दिल के वहाँ से, मदेशिया कहाँ बट आए, मदेशी पहाड़ी जनजाति के जनजाति बन ही नहीं और पहाड़ी बना। लेकिन बीच में जनजाति में चेतना आ गई, जनजाति भी पूछ ले कि जा बात के लिए हम अकेले लड़ सी, सकबे न करें, मदेश से लड़ के कम से कम यहाँ तक पहुंचोगे, मदेश से तीन तीन बड़का आंदोलन करके बहुत कुछ नहीं हो ले। लेकिन हमारा सबसे कुछ नहीं बैठ रहा, जनजाति से सोच रहा, तो हमारा अकेले लड़ना से नहीं हेते, चेतना जनजाति में भी है, चेतना थारू में भी आए, और वो चेतना हमारे समय आ रहा है कि हम उस अकेले लड़के न सक रहा। तो यही अवस्था में ये हारल लड़ाई के जीते में कितना जीत में केना बदले के वही के लिए पूरे देश में नेपाल में जिते उत्पीड़न है पड़ल के लोग है ओकरा इकट्ठा होकर ओकरा मिले के पड़ते, ओकरा एकताबद्ध होकर लड़े के पड़ते। और वो आंदोलन मदेश आंदोलन, थरुवट आंदोलन, आदिवासी जनजाति आंदोलन, सभी आंदोलन के मिला के राष्ट्रीय आंदोलन बनावे के पड़ते, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन बनावे के पड़ते। देश में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के आवश्यकता है, सभे मिलके देश में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करे के पड़े, ये देश सभे के देश बनावे के, एकल एकल राष्ट्रीय राज्य से बहुल राष्ट्रीय राज्य निर्माण करे के, नेपाल सभे नेपाली के बनावे के लिए, जे नेपाल में मदेशियों रहे, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू, दलित, बाहुन, क्षेत्री सभे रहे और सभे के लिए नेपाल बने, वहन नेपाल बनावे के लिए देश में एगो क्रांति चाहिए। और क्रांति एकीकृत क्रांति,
सभे मिल के हिमाल पहाड़ तराई मदेश में जितेक शोषण में पड़ल जनता है सब इकट्ठा होके मिल के क्रांति करब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, और वो लड़ाई ओहि देश में जीतते, वो लड़ाई सफल हेते, और तब जाके इस देश में जे हमरा सके जे लंबा समय से हम सब संघर्ष कर रहा थी, बार बार संघर्ष कैले और समाप्त भ रहा है, एकर इ लड़ाई के निष्कर्ष में निकाल के निष्कर्ष में पहुँचाब के लिए वो एगो परिस्थिति बंद यही लेल अब एक तैयारी करे के चाहिए, इस बात के तैयारी करे के चाहिए, इस बात के तैयारी के करते आई के दिन में फल्लमा पार्टी करते ठिकरमा पार्टी करते कोनो एक पार्टी के बातें कोई सुने वाला नहीं, पार्टी से अपन अवस्था एहन बना लेने से कि एक पार्टी करे दोसर पार्टी ओकरा से होते अच्छा ऊपर देखो तो एक के दोसर के साथ न मेल है न भरोसा है न विश्वास है और व्यक्तित्व के टकराव एक उपेंद्र जी कहा जाए सीकर उसको मिलाने के मतलब नामे न ले से अवस्था है। अब लोकसभा के बात की करें हमारे सबके पार्टी अजीत पार्टी है, पार्टी महान पार्टी है, होनी रेशम भाई तो उज्जर से छुपी करके भाग गए और एजेंडा पूरा भाग गया, कहे का मतलब ये कि कोनो कोनो एक ता पार्टी के आह्वान पर ही आंदोलन नहीं भर सके, तब की है कि सभी पार्टी के बाध्य करे के अवस्था बनावे के पड़े, सभी आंदोलन में आओ ये मजबूर करे के पड़े, तो मजबूर के करते जनते करते दूसर के हाथ में ताकत नहीं, दोसर के हाथ में ताकत छेबे नहीं करे कि मधेसिया पार्टी व नेता के मजबूर करके आंदोलन में लाए जाए, ये दोसर में ताकत नहीं है, जनते में ताकत है, वो जनते ही काज कर सके, तेल ये बात के लिए अभियान होबे के चाहिए, चल के चाहिए, पार्टी विभिन्न पार्टी में लागल लोग होते मधेसवादी लोग, वो कांग्रेस कम्युनिस्ट में भी लागल होते मधेसवादी पार्टी छोड़ छोड़ के कांग्रेस कम्युनिस्ट लोग चले गए, मधेसिया पार्टी न चले वाला आउ चल कांग्रेस में चले माले में वही पार्टी में होती भविष्य ये सब कह के चल गए ना, ये सब कह के मधेसवादी पार्टी छोड़ के भी चल गए कांग्रेस में, लेकिन वो मन में भावना मधेसवाद न चली तेल चली और मन में बात तो छेबे करी ना अभी हो कांग्रेस कम्युनिस्ट में जब लोग लागल है ओकरो मन में मधेसवाद है तो ओकरो ही पे लागल के पत्र विभिन्न मधेसिया पार्टी हमारा मधेसिया पार्टी में लोग लागल छे आ ओकरा यदि मधेसवाद के बात मन में छे स्वार्थ के बात मन में छे तो ओकरा की करबे खाली मंत्री या सत्ता यदि मान में दे तो ओकरा सत्ता रह नहीं कोई बात, लेकिन जकरा मधेस के प्रति चिंता है पीड़ा है मधेस आंदोलन के बात हुई छे मधेस क्रांति के बात हुई छे आंदोलनकारी छे मधेसवादी कोनो पार्टी में उ तो मधेस आंदोलन के बात करबे कर तो रोकला से पार्टी के रोकला से होते नेता रोकला से क्यों रोकला से रोक रोक नहीं सके, तो ये अवस्था में ये अभियान संचालन करे ये अभियान चलाब के लिए ये मधेस आंदोलन अब फिरू के नागाड़ी बढ़ते या राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के नागाड़ी बढ़ते सब मिल के लड़ाई करे के थे वो बात के नागाड़ी बढ़ते ये बात के भावना फैलाब के लिए एक जागरण अभियान पूरे मधेस में जागरण अभियान करना जरूरी है, पार्टी से ऊपर उठ के जितना जो पार्टी में छी रहू पार्टी में कोई बात नहीं जा को पार्टी के बात नहीं जागरण अभियान मधेस के संपूर्ण समग्र मधेस के बात है संपूर्ण जनजाति थारू के बात है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के बात है सब आदमी अपना अपना जगह पर छी तो कोई बात नहीं है कोनो पार्टी में छी वहां से मधेस के बात करो मधेस आंदोलन के बात करो मधेस क्रांति के बात करो अधिकार पहचान के बात करो मिल के लड़े के बात करो मधेसी जनजाति मुस्लिम थारू जे भी हमारा उत्पीड़न में पड़े के लिए विरुद्ध में लड़े के लिए तैयार है हमारा सभी के गोलबंद होबे के चाहिए वही लड़ाई के नाम पर गोलबंद होबे के चाहिए ये अवस्था बनाबे के पड़े ये चेतना बढ़ाबे के पड़े आप जे पार्टी में रह के रहो लेकिन मधेस आंदोलन के बात करो मधेसी के बात करो अधिकार पहचान के बात करो वो परिस्थिति बनाओ ये बात बाजू माहौल बनाओ कि मधेस आंदोलन नगारी बढ़ जाए।